दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, इस साल के अंतिम मंथ दिसंबर को लेकर बड़ी ढेर सारी उम्मीदें हैं फाउंडिंग मेंबर को कि इसमें वो सब कुछ होना मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिसका कि सालों से इंतजार है हमें। कुछ इंटरनेशनल लीडर्स इस बात के संकेत भी दे रहे हैं कि किसी भी हाल में अपना धैर्य मत खोइए, एक आध हफ्ते में या इस अंतिम महीने में बहुत कुछ होना है। मगर वहीं एक लीडर इन बातों का खंडन भी कर रहे हैं कि मिस्टर एस को छोड़कर किसी और की बातों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो कुछ भी होना है वो मिस्टर एस को ही करना है। जो भी अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन देंगे वो मिस्टर एस ही देंगे, एक उनके सिवा किसी और को कुछ नहीं पता कि यहाँ कब क्या होना है। और दूसरी बात, वे लीडर फाउंडिंग मेंबर को इस बात का भरोसा भी दिला रहे हैं कि ऑन पैसिव कहीं भागा नहीं है, ना ही कहीं भागेगा और ना ही मैं भागने दूंगा। जबकि बात यहाँ ऑन पैसिव के रहने या भागने का है ही नहीं, बल्कि यहाँ बात है उन कमिटमेंट का जो मिस्टर एस ने लाखों फाउंडिंग मेंबर से किए हैं, बात है उन उम्मीदों का जो उन्होंने लाखों फाउंडिंग मेंबर को दिलाए हैं, बात है उन अनगिनत बड़े बड़े सपनों का जो उन्होंने फाउंडिंग मेंबर को दिखाए हैं, एंड उन उम्मीदों पर खड़े उतरने का और उनके सारे सपनों के पूरे करने के वादे किए हैं, बात है उस विश्वास और भरोसे का जो सालों से लेकर आज तक लीडर्स ने फाउंडिंग मेंबर को दिलाते रहे हैं। इन 5-6 सालों में ऑन पैसिव कहीं भागा कहाँ है, वो तो यहीं पर है। बात यहाँ रहने या भागने का है ही नहीं, 6 सालों से रहकर भी इसने क्या कर दिया है फाउंडिंग मेंबर के लिए, कुछ भी नहीं। अगर इसी तरह यह अगले 10 सालों तक भी रहा तो क्या मिल जाएगा फाउंडिंग मेंबर को, उन्हें क्या कुछ यहाँ हासिल हो जाएगा। इसलिए मेरे समझ से यह बात इसके रहने या भागने का है ही नहीं। भाई 5-6 साल हो गए यहाँ लोगों को इंतजार करते बोनस एंड कमीशन का, अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट का, अपनी जिंदगी बदलने और अपने संजोए सपनों के पूरे होने का, आप उसकी बात करो ना कि ये सब कब से होना है। बेमतलब के इधर उधर की व्यर्थ की बातें करते रहने का क्या फायदा। अब किसी लीडर्स को सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलने वाला कि यहाँ कब क्या होना है, इस बात को मिस्टर एस के सिवा कोई भी नहीं जानता। अब यह बात लीडर्स को भी जानना होगा कि यहाँ कब क्या होना है, और ये बातें उन्हें उन तमाम फाउंडिंग मेंबर को भी बताना होगा जो सालों से यहां उम्मीद लगाए और बड़े बड़े सपने सजोए इंतजार कर रहे हैं ऑन पैसिव के आने का, इससे बोनस कमीशन मिलने का। भाई आपकी बातों पे भरोसा करके लाखों इंडियन भाई बहनों ने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के नाम पर अरबों रुपये दे दिए कंपनी को, और आप कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता कि यहां कब क्या होना है, कब पेंडिंग विड्रॉल मिलना है, कब बोनस मिलना है, कब ट्रैफिक कमीशन मिलना है। इन सब के बारे में सिर्फ मिस्टर एस को पता है। बार बार इस तरह से कह देने से अगर कोई भी लीडर यह समझ रहा हो कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी कंट्री की तो मैं बात नहीं करूंगा, मगर जहां तक लाखों इंडियन फाउंडिंग मेंबर का सवाल है, अगर आगे भविष्य में यहां कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कोई भी इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स मिस्टर एस को ढूंढने नहीं जाएगा, मिस्टर एस से पूछने नहीं जाएगा कि क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम ओ इरादा। उससे इस बारे में जो कुछ भी पूछना होगा, जो कुछ भी जानना होगा, अपने उन इंडियन लीडर्स से पूछेगा जो कि सालों से लेकर आज तक भरोसा दिलाते आए हैं, तसल्ली देते रहे हैं कि यहाँ देर हो सकता है बट कभी अंधेर नहीं होगा, यहाँ एक एक फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलेगा, यहाँ एक एक फाउंडिंग मेंबर के सपने पूरे होंगे, यहाँ एक एक फाउंडिंग मेंबर को आर्थिक आजादी मिलेगी। जब भी कोई फाउंडिंग मेंबर अपनी सक्सेस को लेकर, पेंडिंग विड्रॉल को लेकर, बोनस कमीशन को लेकर, ट्रैफिक को लेकर सवाल उठाने का प्रयास किया है, उससे इन लीडर के द्वारा हमेशा से डरा धमका कर चुप करा देने का प्रयास किया गया है, उसे निगेटिव करार दिया गया है। जबकि ये सवाल मिस्टर एस से लीडर्स को खुद पूछना चाहिए कि भाई मेरी बातों पर भरोसा करके फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए लाखों इंडियन भाई बहनों ने अरबों रुपये दे दिए कंपनी को, सालों से लेकर आज तक लोग धैर्य रखे रहे, इंतजार करते रहे, यह दिसंबर और 2024 में बीतने जा रहा है, अब तो कुछ क्लियर बताइए कि कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है। अरे भाई, आपने अरबों रुपये लगवा दिए अपने लाखों इंडियन भाई बहनों का, और आप मिस्टर एस से इतना भी पूछने से गए कि लोगों का पेंडिंग विड्रॉल कब तक मिलना है, उन्हें बोनस कमीशन कब से मिलना है, इतना तो अधिकार आपका बनता ही है, फिर उनसे पूछने का डर कैसा। इसका मतलब तो कोई भी यही समझेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ लीडर्स की भी मिली भगत है मिस्टर एस के साथ, कहीं ना कहीं इसके लिए उन्हें जरूर कुछ पैसा मिलता होगा कि अपने लोगों को मोटिवेट करते रहिए, उन्हें कुछ भी कह के चुप और शांत कराते रहिए। भाई आपके थ्रू, आपके भरोसे अरबों रुपये गए हैं इंडिया से, आपका कर्तव्य बनता है खुलकर मिस्टर एस से यह पूछना और जानना कि यहाँ कब से क्या होना है, कब तक पेंडिंग विड्रॉल मिलना है, कब से बोनस कमीशन मिलना है। अब 5-6 साल बीतने के बाद भी अगर कोई लीडर यह कहे कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि यहाँ कब क्या होना है, कब क्या मिलना है, ये तो साफ तौर पे एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से भागना कहा जाएगा। जबकि उन्हें
यह समझना चाहिए कि कोई भी इंडियन लीडर्स चाहकर भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, क्योंकि इंडियन फाउंडिंग मेंबर उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागने नहीं देंगे। क्योंकि जब भी किसी इंडियन फाउंडिंग मेंबर ने इन सब बातों को लेकर सवाल उठाने का प्रयास किया है, उसे किसी न किसी माध्यम से डरा धमकाकर चुप करा देने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे करके जिस तरह का माहौल बनते जा रहा है, उससे यही लग रहा है कि यह साल 2024 बीतने के बाद से अधिकतर फाउंडिंग मेंबर चुप और शांत नहीं बैठने वाले। वे अब सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहां हो क्या रहा है, यहां चल क्या रहा है। अब किसी लीडर्स को भी वे शांति से नहीं बैठने देंगे। अरे, अपने लाखों इंडियन भाई बहनों के अरबों रुपये लगवा दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने जैसे तैसे जुगाड़ करके कर्जे उधारी तक लेके फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं। क्या इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है किसी इंडियन लीडर को? अगर उन्हें जरा भी इस बात का एहसास होता तो यह कदापि नहीं कहते कि हम मिस्टर एस के सिवा या कोई और बिल्कुल भी नहीं जानता कि यहां कब कैसे और क्या होना है। तो क्या बिना कुछ जाने समझे ही आपने यहां अपने ही इंडियन भाई बहनों के अरबों रुपये लगवा दिए और उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया कि बस सालों साल तक धैर्य रखे रहो, इंतजार करते रहो, ऑन पैसिव में जो कुछ भी कहा गया है एक दिन वह सबके सब होके रहेगा? तो आखिर कब तक सब कुछ हो जाएगा, इतना भी तो बता देते। आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर एक तरह से दुविधा में जी रहे हैं कि पता नहीं यहां क्या होगा। दरअसल बात यहां सिर्फ उन पैसों का नहीं है जो लोग फाउंडर पोजिशन एंड पैकेज के लिए पे किए हैं कंपनी को, बल्कि यहां बात है उन उम्मीदों का जो वे सालों से यहां लगाए बैठे हैं, बात है उन सपनों का जो सालों से वे संजोए बैठे हैं। इन उम्मीद और सपनों के सहारे अपने एक एक पल को जिया है फाउंडिंग मेंबर ने। हर दिन हर पल उन्होंने इंतजार किया है ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू होने का, लेकिन काफी लंबे इंतजार के बाद भी अभी तक कोई एक भी कमिटमेंट पूरे नहीं होने से अब बहुतों को किसी अनहोनी को सोचकर डर भी लगने लगा है कि कहीं यहां भी हमारे उम्मीद और सपने टूटे तब क्या होगा। तब तो आसमान का मन सीधे जमीन पर गिर जाएगा, तब तो हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे, ना घर के ही और ना घाट के ही। लोग ताने मार मार के जीना मुश्किल कर देंगे कि चला था करोड़पति अरबपति बनने और अपना जमा पूंजी भी गंवा कर बैठ गया। कहने को तो आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे, अगर 10-20 हजार रुपये देकर ही अरबपति बन जाना होता तो आज सिर्फ 14 लाख ही फाउंडिंग मेंबर नहीं होते ऑन पैसिव के, बल्कि दुनिया का हर एक इंसान आज इसका फाउंडिंग मेंबर होता। मगर ऐसा होता नहीं है कहीं कि सिर्फ 10-20 हजार दे देने से कोई कंपनी पीढ़ी दर पीढ़ी तक ऑटोमेशन के थ्रू बिना खुद से कुछ काम किए बोनस कमीशन एंड पैसिव इनकम देती रहे और लोग बैठे बैठे साल के करोड़ों अरबों रुपये बनाते रहें। कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, फिर भी हमें यह लगता है कि ऑन पैसिव बिल्कुल अलग टाइप का बिजनेस है। यह दुनिया के सारे बिजनेस से अलग हटके है। यहां वो सब कुछ होना है जैसा हमसे कहा गया है, यहां वो सब कुछ होना है जो मिस्टर एस ने हमसे कमिटमेंट किए हैं, जो लीडर्स ने हमें भरोसा दिलाए हैं। मगर कब तक होगा बस सिर्फ इसी बात की गारंटी नहीं है, बाकी सब कुछ होना तय है, सब कुछ होना निश्चित है, जैसा कि तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस कहते हैं। बस सिर्फ यही निश्चित नहीं है कि यह सब कब से होना है, कब तक होना है, और यही बात सबसे अधिक परेशान किए हुए है लोगों को। और अगर दिसंबर लास्ट तक भी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, तो इतना तो तय लग रहा है कि उसके बाद से लोगों की परेशानियां और बढ़ेंगी और उन तमाम लीडर्स की भी परेशानियां बढ़ेंगी जो कि आज भी अभी भी काफी बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। अरे भाई, जब ऑन पैसिव के दिग्गज लीडर्स कह रहे हो कि हम मिस्टर एस को छोड़कर किसी और को कुछ नहीं पता कि यहां कब कैसे और क्या होना है, तो फिर आप किस आधार पे इतना अधिक बढ़ा चढ़ा के बातें करते हो? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपने बैकेंड पे जाके देखा है कि वहां क्या कुछ हो रहा है? आप बहुत सारे अद्भुत प्रोडक्ट बनते अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या आपको पता है कि लोगों को बोनस कमीशन कब से मिलेगा, लोगों के पेंडिंग विड्रॉल कब तक मिलेंगे? क्या आपकी मिस्टर एस से बातें होती हैं इन सब चीजों के बारे में, या सिर्फ सुनी सुनाई और अटे रटाए बातों को ही आप बढ़ा चढ़ाकर बता जाते हैं? फाउंडिंग मेंबर को बेवकूफ समझने की कोशिश कोई भी ना करे, क्योंकि जिस दिन भी ये लाखों इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स अगर अपने पे आ गए तो फिर किसी के लिए भी संभालना उन्हें मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले उन्हीं लोगों का तलाश शुरू होगा जो आज भी काफी बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं और इस महीने में सब कुछ शुरू हो जाने की उम्मीदें और तसल्ली दे रहे हैं। अगर वैसा हो गया तब तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं आगे क्या होगा। इसलिए मेरा सभी लीडर से आग्रह है कि कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर बातें ना करें, जो हकीकत हो बस उसे ही बयां करें। आज समय नहीं रह गया है मोटिवेशन देने का, क्योंकि अब डायरेक्टली लोग यह जानना चाहते हैं कि सीधे मुद्दे की बात हो कि पेंडिंग विड्रॉल कब तक मिलेगा, बोनस कब तक मिलेगा, एंड ट्रैफिक कमीशन कब से मिलना शुरू हो जाएगा। अब यह समय मोटिवेशन देने का नहीं है, बल्कि यह समय है फाउंडिंग मेंबर के लिए लीडर्स को अपनी जिम्मेदारी समझने का, अपनी जिम्मेदारी निभाने का, ताकि फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन मिल सके, उनका जीवन खुशहाल हो सके। भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।